हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, जिससे क्या हो कि वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिल्म को एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। किसमें मिला है? फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। इसमें क्या है कि यह मूवी जो है असम के डिब्रूगढ़ शहर के कचरे पर आधारित एक मूवी है। वहाँ पे रोड पे इतने ज़्यादा कचरे हैं, ये शॉर्ट फिल्म आप लोग देखिएगा, 7-8 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म है जो कि असम के डिब्रूगढ़ पे कचरे क्या है कि रोड पे फैले रहते हैं। और लोगों को इस बात की खुशी भी है, किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ रोड पे कचरे फेंके जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को टाइम हो तो आप लोग एक बार इस फिल्म का नाम सर्च करके देखिएगा, ठीक। इसके साथ साथ असम की अगर हम लोग बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और अभी आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा पुल कहाँ पे बना है? बोगीबील पुल, या बना है असम में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है बोगीबील पुल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वच्छ भारत ग्रैंड चैलेंज अवार्ड की घोषणा किसने किया है? तो ऐसा करने वाला है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विकास, DIPP। यह जो पुरस्कार है यह कुल 4 क्षेत्रों में दिया जाएगा। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक। पहला तो होगा स्वच्छता, दूसरा होगा अपशिष्ट प्रबंधन, तीसरा होगा जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन, फिर फोर्थ होगा हमारा वायु प्रदूषण। अगर हम लोग बात करें कि वायु प्रदूषण के मामले में यह पुरस्कार किसे मिला है तो दिल्ली की मैकलेक टेक्निकल प्रोजेक्ट। अच्छा, क्या वायु प्रदूषण अच्छी चीज़ है? इसलिए नहीं, वायु प्रदूषण से निवारण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक। जिसमें किया क्या जाएगा कि जो प्रथम श्रेणी का जीतेगा उसे मिलेगा 2 लाख रुपए और जो सेकेंड विनर होगा उसे मिलेगा 1 लाख रुपए, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई कंपनी भी हो सकती है। तो हम लोग बात करते हैं वायु प्रदूषण श्रेणी में किसे मिला है, तो दिल्ली की मैकलेक टेक्निकल प्रोजेक्ट को। आपको पता है कि वायु प्रदूषण की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली नंबर 1 पे रहती है। अच्छा, अब जब दिल्ली की बात आ ही गई है तो आपको पता होना चाहिए कि सफर क्या है। सफर एक वायु गुणवत्ता सुधारने की एक प्रणाली है जो कि कहाँ पे विकसित किया गया है? दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करें कि स्वच्छता की श्रेणी में किसे मिला है, तो स्वच्छता की श्रेणी में मिला है केरल। केरल के एक जगह है कोची अल्ट्रा सॉफ्ट इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को मिला है स्वच्छता की श्रेणी का अवार्ड। उसके बाद थर्ड है हमारा अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में मिला है तेलंगाना को, जिसमें संशोधन और ई वेस्ट एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड को मिला है, ठीक। फिर आता है हमारा अपशिष्ट जल प्रबंधन, जिसमें मिला है गुजरात की REVY इन्वायरमेंटल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये थी कुछ कंपनियां जिनका नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद करना है तो आप बस इतना याद करिए कि वायु गुणवत्ता की श्रेणी में अवार्ड किसे मिला है? दिल्ली। स्वच्छता की श्रेणी में अवार्ड किसे मिला है? केरल। अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में किसे मिला है? तेलंगाना। और अपशिष्ट जल प्रबंधन की श्रेणी में किसे मिला है? गुजरात को मिला है। तेलंगाना की बात करें तो अभी आपको पता है कि तेलंगाना में जो हमारा हाई कोर्ट है उसका पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है TB राधा कृष्णन को। किसे बनाया गया है? TB राधा कृष्णन को। इसके साथ ही साथ भारत में अब नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हो गए हैं? 25वां। 25वां जो हाई कोर्ट बना है या बना है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। कहाँ पे बना है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। क्यों? क्योंकि जो पहले आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था वह था हैदराबाद में, और जब से तेलंगाना है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, हैदराबाद किसके अंडर में चला गया है? तेलंगाना के। इसलिए आंध्र प्रदेश को एक नए हाई कोर्ट की जरूरत पड़ी है, जिस वजह से आंध्र प्रदेश में बना है देश का 25वां हाई कोर्ट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ड्रोन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ड्रोन ओलंपिक का आयोजन किया गया है बंगलुरु में। है क्या ये ड्रोन ओलंपिक? आपको पता है कि अब भारत में क्या डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी के लिए क्या किया जा रहा है कि ड्रोन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं जो कि पर्टिकुलर किसी पर्सन को अपॉइंट करती हैं किस लिए,
होम डिलीवरी देने के लिए। अब वो क्या करेंगी, ड्रोन के माध्यम से होम डिलीवरी देंगी। तो अभी आपको पता है कि भारत में ड्रोन पॉलिसी भी आ गई है, एक लागू हो गई है, ठीक। तो इसीलिए अब इसका क्या होगा, एक अभ्यास होगा जिसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, बंगलुरु में हो रहा है। और ऐसा पहली बार होगा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्रोन ओलंपिक होगा, जिसकी जिसका जो वेब पेज है उसे लॉन्च किया गया है हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अब बात आती है कि ये ड्रोन ओलंपिक होगा कब, तो ड्रोन ओलंपिक होगा 21 फरवरी 2019 को बंगलुरु में, एयरो इंडिया के साथ ही होगा ड्रोन ओलंपिक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है नीम राणा की बावड़ी। क्या है, नीम राणा की बावड़ी, इसे दिया गया है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। और भी बहुत से जगह हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। जैसे पहली बात तो यह जान लीजिए कि यह घोषणा कौन करता है, तो यह घोषणा करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। कौन करता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक। तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है नीम राणा की बावड़ी, इसे शामिल किया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में। फिर दूसरा हमारा ओडिशा के बोलन गिर रानीपुर झरियाल में मंदिरों का एक समूह है, इसे भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तीसरा हमारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है विष्णु मंदिर, ठीक। अगला हमारा नागपुर के महाराष्ट्र के नागपुर में है उच्च न्यायालय भवन, जिसे क्या घोषित किया गया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह जो उच्च न्यायालय है ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसका एक उपनाम भी है जिसे कहते हैं पोयम इन स्टोन, क्या कहते हैं, पत्थर में कविता कहते हैं। ये काफी सुंदर है, आप लोग एक बार नेट पे इसका इमेज सर्च करके देख सकते हैं। और इसे बनाया किसने था, तो HAN मेड ने, किसने बनाया है, HAN मेड ने इसकी इसका वास्तु इसके वास्तुकार हैं HAN मेड। फिर हमारा यूपी का कौन सा दो प्लेस है जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, तो आगा खान की हवेली और हाथी खान की हवेली। आगा खान और हाथी खान की हवेली को घोषित किया गया है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सौभाग्य योजना के तहत कितने राज्यों में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा हो गया है। तो इसमें कुल 25 राज्यों में विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा हो गया है। जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था कि 1 दिसंबर 2018 तक क्या किया जाएगा, सभी के सभी 29 राज्यों में विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन कंप्लीट ना होने के कारण इसकी डेट को एक्सटेंड भी कर दिया गया, और इसकी डेट को एक्सटेंड करके कितना किया गया है, 31 मार्च 2019, ठीक। कौन कौन सी जगहों पर नहीं हुआ है, असम हो गया, राजस्थान हो गया, मेघालय हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक। तो इसमें अभी 10.48 लाख घरों में विद्युतीकरण शेष है। तो याद रखिएगा, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। और अब हम लोग देखेंगे कि 31 को हमारे कौन कौन से क्वेश्चन थे उसका रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला था हमारा कि किस राज्य में द्विजिंग उत्सव मनाया गया, कौन सा उत्सव है, द्विजिंग उत्सव, तो यह मनाया गया है असम में। असम में मैंने आपको पढ़ाया कि असम में क्या है, भारत का सबसे बड़ा पुल है बोगी बील पुल, यह भी याद रखेगा आप लोग, असम में है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा कि आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए यूपी पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसके लिए यूपी पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, त्रिनेत्र, कौन सा ऐप है, त्रिनेत्र। इसके साथ साथ ही डायल FIR योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यूपी है। आपको मैंने इसके बारे में पढ़ाया है, डायल FIR योजना के बारे में। नेक्स्ट था हमारा कि रूस ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि कैसी है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब इसकी जो गति है वो आवाज की गति से 27 गुना तेज है। इसका परीक्षण किया गया है 26 दिसंबर को। पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है अवांगार्ड, क्या है, अवांगार्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कूनो वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, या किस प्रदेश में है। तो कूनो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, MP में। और आपको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। और इस समय यहाँ के नए जो CM बनाए गए हैं वो हैं कमलनाथ, कौन है, कमलनाथ।
आपको पता होना चाहिए कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है और इन 5 राज्यों के सीएम का नाम आपको याद रखना काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले राजस्थान के, तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश का हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन है, कमलनाथ है। उसके बाद है हमारा मिजोरम, मिजोरम के हैं जोरमंथगा। छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल। और फिर हमारा फिफ्थ तेलंगाना, तेलंगाना के सीएम वही है जो पहले थे, चंद्रशेखर राव। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेगा। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा कि बालकन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 का खिताब किसने जीता। तो बालकन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 का खिताब जीता है लुका मैड्रिक ने। किसने जीता है? लुका मैड्रिक। ये एक फुटबॉलर हैं जिन्हें फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बॉल अवार्ड भी दिया गया था। अगर हम लोग बात करें कि महिलाओं में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो महिलाओं में यह पुरस्कार दिया गया है सिमोना हालेप को, ठीक, जो कि रोमानिया की हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस जगह पर क्षारीयता बढ़ने के कारण गंगे डॉल्फिन की संख्या कम हो गई है। तो सुंदरबन में, सुंदरबन में क्षारीयता बढ़ने के कारण जो गंगे डॉल्फिन है, जिन्हें सुइस नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो डॉल्फिन है उनकी संख्या में कमी आ गई है। सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उन सभी में वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।